खाएगी खाएगी, चलो तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और अभी अभी हम लेट हो गए, थोड़ा सो के उठे हैं जस्ट। और मेरी इस वाली आंख में आपको दिख रहा होगा काफ़ी लाल हो रखी है, ये वाली पता नहीं क्या हो गया इसमें भी रात को, कल दिन से ही हो रहा है वैसे तो, ईचिंग और काफ़ी रेडनेस भी हो गई है, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने शाम को आई ड्रॉप तो ले ली थी, आई ड्रॉप डाली कल शाम को भी, सोते टाइम भी, फिर अभी सुबह उठ के भी, तो अभी थोड़ा रिलीफ है। पता नहीं क्या हो गया दिवाली के बाद से, मेरी भी तबीयत खराब है, निष्ठा को भी कल पूरे दिन उसको उल्टी लगी रही, उल्टी 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 आती रही, कंटिन्यू उल्टी। फिर उसको रात को हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, जो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो हॉस्पिटल में रात को फिर उसे दवाई वगैरह दी डॉक्टर ने, इंजेक्शन भी लगाया, तो अब थोड़ा वो ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वॉमिट नहीं हो रही है, वॉमिट में कंट्रोल है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर लेटी हुई है अभी, जस्ट अभी अभी उठी है, मैं आपको दिखाता हूँ। निष्ठा ठीक है अब तबीयत? बुखार तो नहीं है? बुखार तो नहीं है? चलो ठीक है, लेट जाओ आराम से, ठीक है। गरम भी हो रहे हो, थोड़ा गरम भी हो रही है। हाँ चलो रेस्ट करो, हैं आराम से लेटो। क्या कह रहे हो? गरम हो रही है, एक बार थर्मामीटर से निकाल के टेम्परेचर नाप के तो चेक करो एक बार, ठीक है? हाँ ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट अभी उठे हैं, देखते हैं। खुद ऐसी तबीयत ना बड़ी अजीब सी हो रही है। तो गाइस निष्ठा की मम्मा ने ये देखो एक एक गिफ्ट पैक साफ करना शुरू कर दिया है और इसको रख रही है निष्ठा के पास, ताकि वो इन्हें देख के खुश हो और इसकी तबीयत ठीक हो जाए। ये देखो निष्ठा मॉम ने यहाँ पे क्या क्या रख दिया है, खोदी लेने है? उसके बाद ये देखना, ठीक है, मम्मा ने यहाँ पे क्या क्या रखा है आपके लिए, लेकिन अभी नहीं खाना है सारा, ठीक है, पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो। आओ गोदी, बुखार हो रहा है निष्ठा आपको, इधर देखो, जो कि निष्ठा तो खा नहीं सकती, निष्ठा तो हो गई है बीमार, सड़ी सड़ी मिठाई यहाँ पे, और आप हम खाएंगे अच्छी चीज। तो गाइस दोस्तों अभी ये भी है, बट मैं ये नहीं दूंगी निष्ठा को, क्योंकि बिस्किट्स तो खा ही सकती है, डॉक्टर ने बोला है, तो इसमें बिस्किट्स वाले मैं इसको दिखा रही हूँ, ताकि उनको देख देख के ठीक हो। और ये चिप्स सभी कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया, इसलिए मैं इसको साइड ही छुपा के रख देती हूँ। बाकी अभी मैं और भी चीजें हैं जो नहीं, वो निष्ठा के मतलब की नहीं है। निष्ठा क्या बोल रही है मम्मा, आपके मतलब की नहीं है? मम्मा कह रही हैं कि ये आपके मतलब का नहीं है। नहीं खाओगे आप ये चिप्स वगैरह? नहीं दे सकते बेटी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सो जाओ। तो गाइस सबकी हालत आज ऐसी हो रही है खराब, निष्ठा भी सो रही है, कुछ खाया भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं खा रही है, सुबह से हल्का सा बिस्किट खाया था बस, उसके बाद कुछ नहीं खाई, सो गई फिर से। और निष्ठा की मम्मा भी यहाँ पे खिचड़ी बना दी है इसकी, खिचड़ी बना दी, तो अभी तो सो रही है, जब उठ जाएगी तब खिलाना। पता नहीं गाइस क्या हो गया, अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई निष्ठा की, सो ही पड़ी है अब। कोई नहीं, अभी दवाई वगैरह दे दी है, बाकी सो रही है, अभी जब उठेगी तो थोड़ा इसको खिचड़ी वगैरह देंगे, तो देखते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा इसको भी। तो ऐसी है आज का दिन, तो ऐसे ही जा रहा है, मेरी खुद आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस ये दोनों भी ऐसे ही पड़े हैं, या तो जितनी इन्होंने इतने महीनों से जो ये दिवाली की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसकी सारी थकान आज निकल रही है ना, सारी थकान आज निकल रही है दोनों की, थकान निकल रही है, तबीयत ख़राब है, क्योंकि दिवाली में पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया है, कंटिन्यू लगे हैं, कभी इस मार्केट कभी उस मार्केट, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये खरीद रहे हैं कभी वो खरीद रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं नानी के घर जा रहे हैं, डेली इनका रूटीन यही था, तो रेस्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं मिला इन्हें। अभी इसके लिए खिचड़ी जब बन जाएगी, बन गई ना, हाँ तो मैं भी उसी में से खा लूँगा थोड़ी खिचड़ी, ठीक है। तो चलो गाइस अभी लंच वगैरह करते हैं थोड़ी देर में,
बाकी आपको मैं दिखाता हूँ जैसे भी उसका बताओ। ठीक है, मत करो, मत करो। अच्छा रुक जाओ, फीवर तो नहीं है? मत करो ना। अच्छा ठीक है, नहीं खड़ा हो जाए, मैं खड़ा करूँ। तो फ्रेंड्स निष्ठा उठ चुकी है अभी फिलहाल, और खिचड़ी इसकी मम्मा लेके आ गई है खिचड़ी खिलाने के लिए। बिल्कुल इसको अंदर तो वही नहीं हो रही है हिम्मत। अभी कैसा फील हो रहा है? हाँ खिचड़ी खा लो, अभी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, खिचड़ी खा लो, अभी एनर्जी आ जाएगी। पता नहीं क्या हो गया इसको एकदम से ही ना, ऐसा तो उसने पता नहीं क्या खा दिया इसने, उल्टी उल्टी वॉमिट, फूड पॉइजनिंग। देसी खिचड़ी बनाई है पता है आपके लिए, हेल्दी हेल्दी है ना, आप सो रहे थे तो मैंने तब बना दी थी, मैं रोज बच्चा उठेगा तब खिलाऊंगी। अरे अभी खिचड़ी खाएगी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाएगी। ऐसे ढुशुम ढुशुम करने लगे जब मम्मा को मुक्का करके ऐसे भागते हो मम्मा के पेट में मुक्का मार के, हाँ उतनी एनर्जी आ जाएगी इसके, अभी फिर सबको मार देगी है ना टीशा, सबको मार दोगे। यम्मी है, अच्छी है ना, चलो पूरी फिनिश करो। ठीक है, तो गाइस इसने लास्ट खाया था निष्ठा ने कल सुबह भी, मतलब परसों रात को ही खाया था जो हैवी इसने खाया था, और कल सुबह तो इसने खाया है बिल्कुल लाइट, शायद इसने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाए थे है ना दूध के साथ, इतने से वो बचा दिए थे, वही तो तब से इसने कुछ भी नहीं खाया है। तो ऐसी हालत तो हो ही जाएगी ना निष्ठा आपकी, फिर ऐसे कुछ भी खाया नहीं है और निकालते जा रहे हो सारा, खा लो चलो फटाफट अब। नहीं थोड़ा सा ट्राई करो, और बेटा ऐसे नहीं होता, देखो 2-3 चम्मच से क्या होगा, टिश्यू। अच्छा एक चम्मच और खाओ, एक बाइट और खाओ, आपको जल्दी ठीक होना है, अच्छे से पकोड़े सकोड़े फिर हम आपके लिए वो मंगाएंगे, डैड चिकन नगेट्स मंगा देना बच्चे के लिए। हाँ नगेट्स मंगा दूंगा इसके बाद, चलो नगेट्स खाने, चिकन नगेट्स खाने हैं, मंगाए अभी खाए, खाओगी? ये छोटा चाहिए, छोटा चलो खिचड़ी खाओ, चलो खाओ खाओ, प्लीज 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 खा लो, प्लीज खा लो। अच्छा एक लास्ट बाइट ले लो, चलो लास्ट बाइट ले लो, उसके बाद नहीं बोलेंगे, लास्ट बाइट चलो, लास्ट, गुड 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 गुड, लास्ट लास्ट लास्ट, चलो चलो चलो, लास्ट 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 बाइट, अच्छे से ऐसे बातें करते करते खा लो हमसे, कुछ एबीसीडी सुना दो, देख रहे हो दोस्तों, देखो क्या क्या ये लड़की बिल्कुल नहीं मान रही है, कुछ खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा बताओ, परसों कल का भी जो परसों खाया सब निकल गया, अब 2 दिन में ये दूसरा दिन है, सोचो दूसरा दिन की शाम, अब ये 2-3 चम्मच बस खिचड़ी, खाएगी खाएगी चलो। अब कैसी तबीयत है निष्ठा आपकी? ठीक है, बुखार तो नहीं है? दिखाओ। तो गाइस अभी निष्ठा फिलहाल थोड़ा ठीक फील कर रही है, ठीक फील कर रहे हो ना, आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। अभी फिर से तो वॉमिट करी है, ठीक फील का कर रही है, अभी तो आप ठीक फील कर रही है, थोड़ा सा खिचड़ी खिलाई वो निकाल दी वापस, दवाई दी है तो फिर निकाल तो रही हो ना। अच्छा इसे सरप्राइज दिखाते हैं जो आपने इसके रूम में लगाया, देखना एक सरप्राइज लगाया है मम्मा ने आपके रूम में, पहले आइस क्लोज करनी पड़ेगी। दिखा दूं? तो अब आप आईज ओपन करो, ये देखो ओए
ये देखो, ये आपका फेवरेट एनिमल है ना, रैबिट। हाँ, ये मैंने क्रिसमस के लिए करा है ना। कुछ भी समझ लो, आप क्रिसमस के लिए किया है या आपको खुश करने के लिए किया है। सुनो, ऐसी डेकोरेशन क्रिसमस के लिए होती है। तो आपको कैसा लगा? ठीक, मतलब अच्छा। और ऐसी डेकोरेशन पता है हम क्रिसमस पे ही करते हैं, ऐसी वाली है। और ये गाइस रखी है ईटीशा के लिए बाल्टी, इसमें इसको पता नहीं बार बार पे वोमिट आ जा रही है अभी भी, तो इसी में ये वोमिट कर रही है बच्चे को लिए। क्या करें, अभी भी इसको बहुत तेज वोमिट हुआ है। तो गाइस निष्ठा अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रही है, तो बालकनी में आई है। ऐसा लग रहा है कि ना शिमला में आ गई हूँ मैं। इतनी ठंडी हो रखी है यार। अब तबीयत ठीक है आपकी? तो बस गाइस, बच्चे ने अभी थोड़ा सा कुछ खाया है, खिचड़ी। क्या जब हम जब कृष्ण जी का बर्थडे आने वाला था, हाँ, तो पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? मम्मा सारे भगवान जी को धो रही थी। जब मम्मा ने भाता माता रानी धो के स्लैब पे रखी, तो मैं ना ऐसे करने लग गई माता रानी के सामने। हाँ, मुझे ऐसे लगा कि माता रानी मुझे ऐसे ऐसे करके घूर रही है। अच्छा, ऐसे लगा मुझे। हाँ, मतलब अपने मुंडे नहीं हिला रही, बस अपनी आंखें हिला रही है। हो सकता है वो आपको देख रही हो, ध्यान रख रही हो आपका, कि आप गिर ना जाओ, कि मुझे चोट ना लग जाए। मैं यही बोलने वाला।